भाई अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी खयामत की अदा होती है। शहर हैदराबाद की हर दुल्हा दुल्हन को उनकी हयात नौ के आगाज पर अपनी पुरखलोस मुबारकबाद पेश करते हैं फर्नीचर की दुनिया के मिलनसार बिजनेसमैन जनाबे फारूक अशरफ। आला मेयार के बेहतरीन फर्नीचर के लिए अब सीधे चले आइए हमारे दो मंजिला वसी और ईस्ट शोरूम पर, और लाखों रुपयों के कीमती फर्नीचर आपके मुंतजिर। सैकड़ों अकसाम के अलग अलग कीमतों के बेशुमार फर्नीचर एक ही मकाम पर, मुलाहिजा फरमाइएगा। खिदमत खल्क के जज्बे से गरीब और यतीम लड़कियों के लिए मजबूत पायदार जहेज का मुकम्मल सेट सिर्फ 8,500 रुपयों में, बजट आपका, पेशकश मलिका की। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने नए फर्नीचर शोरूम पर जनाबे फारूक अशरफ, मलिका फर्नीचर, रूबरू होटल वाल्टा, मोगलपुरा हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद अपने पास, और आप जानते हैं जब मजलिसे इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और ओवैसी बरादरान के नाम से, तो या तेलंगाना का मसला बेरोजगारी है, तेलंगाना का मसला तेलंगाना को खुशहाल बनाना है, या तेलंगाना का मसला पानी है या ओवैसी बरादरान है, या तेलंगाना का मसला बिजली है या मजलिस है, आज आप खुद देखते हैं कि आज इनकी तंग नजरी को, इनकी तासुबियत को, कि यहाँ आते हैं तो यहाँ के आगाज किया तो लोगों ने मजलिस पर तनकीदें की, लेकिन मजलिस ने दुनिया को बता दिया कि हम वो अज़्म, वो इरादा रखने वाले वो जुनूनियों, वो दीवानों की जमात है जो अपने जज्बे के तहत अपनी कामयाबियों को हासिल करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं होगी जो 1.5 लाख की तादाद में लुटने, मटने, मरने और कटने के बाद भी उठकर खड़ी हुई। ये सरजमीन दखन के गैयूर मुसलमान ही है जो 1.5 लाख की तादाद में कटने के बाद, लुटने के बाद, तबाह बर्बाद होने के बाद, अगर नेक नियति हो तो काम हो सकता है। और आज मजलिस ने सिर्फ तकारीरें नहीं की बल्कि काम किया, और तारीफ गवाह है मजदूरों को भी इंसाफ दिलाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन होगी। मगर मेरा सवाल है, क्या भोपाल के एनकाउंटर कोई इंसाफ देगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? क्या देगी मध्य प्रदेश में इंसाफ वो भोपाल के बेकसूरों को जिनको मारा गया? अरे आज आते हैं मजलिस पे इल्जाम, मजलिस पे तनकीद। अरे सबसे बड़े धोखेबाज अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, वो कांग्रेस है। गुजरात जला, मुंबई जला, अजमेर जला, हाशमपुरा जला, मलियाबाद जला, रोहतक जला, भागलपुर जला, और पूरे हिंदुस्तान में एक रुकने पार्लियामेंट, तुमको एक एमपी बर्दाश्त नहीं, ये 7 MLA बर्दाश्त नहीं, मगर हमने कितना बर्दाश्त किया? क्या कभी किसी ने इस पे गौर किया? 70 बरस की नाइंसाफी को हमने बर्दाश्त किया, 70 बरस की हक तलफी को हमने बर्दाश्त किया, 70 बरस के जुल्म को हमने बर्दाश्त किया। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि जो लोग पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, अरे हमसे पूछने के बजाय जाओ इंदिरा गांधी के समाधि पे खड़े रहकर वहां पूछ लो कि मजलिस ने क्या किया था कि इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी। ताकत थी, ताकत थी। एंटी रामाराव नहीं आए, क्या चंद्राबाबू नायडू नहीं आए? हर कोई आया, अरे मजबूर होता है आने के लिए, इसलिए कि ताकत हमारे पास है, तवाज़ुन क़ुव्वत हमारे पास है, बादशाहगर का मौका हमारे पास है, इसलिए आज ये लोग आते हैं। लेकिन इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया क्या किया। अरे 70 बरस की आजादी के सफर में ना इंसाफी का सियासत नहीं करते, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते। अरे आज हम यहाँ खड़े हैं और अगर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो मजहब के नाम पर 70 बरस से की जाने वाली ना इंसाफी पर आवाज उठा रहे हैं। मेरचर को आई, तकरीर करी, आंध्रा के पैकेज और खसूसी माफत का जिक्र
तेलंगाना में किया, लेकिन तेलंगाना के मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए एक भी लफ्ज नहीं कहा। क्या बोला? अरे बजट कहाँ है, पैसा कहाँ है देने के लिए? कहाँ है? कांग्रेस के ऐलाना, उनके ऐलाना, अरे है कहाँ? सिर्फ बातें। 12% के घर वापस लाओ, इंशाल्लाह ये काम भी मजल ना घर वापिस ही कराएंगे ना, हम कराएंगे इंशाल्लाह। बड़ी फिक्र है हमारे औरतों की, साबरीमला में औरतों के लिए एक मौका, तल्ला से सलासा पे एक मौका, या हमदर्द। अरे मैं पूछा क्या भाईजान आपने कहा? नहीं, मीडिया ने कहा, हिंदी मीडिया ने कहा। भाईजान शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं भाईजान सिर्फ हिंदी मीडिया का नहीं, भाईजान बीजेपी का हो, भाईजान आरएसएस का हो, भाईजान मोदी का हो, भाईजान और भागवत का हो, भाईजान विश्व हिंदू परिषद का हो, भाईजान बजरंग दल का हो, भाईजान बाबू का भी हो, राहुल का भी हो। योगी योगी, लोग कहते हैं कि सिर्फ अकबर ओवैसी बोलता है हैदराबाद में। नहीं मेरे भाई, सिर्फ अकबर ओवैसी नहीं बोलता है, हैदराबाद का बच्चा बच्चा भी बोलता है। सुनना है तो सुन लो, अगर मैं मोदी का फैजान तो मोदी मेरा, अगर मैं आरएसएस का फैजान तो आरएसएस मेरी, बीजेपी मेरी, राहुल मेरा। अरे आज मैं कह रहा हूँ, याद रखो याद रखो, 70 बरस से तुम बोलते आए, हम सुनते आए, अब हमारा वक्त है, बोलेंगे, सुनना पड़ेगा। अरे आज बड़ी बड़ी बातें, अरे मैं चाय वाला गुस्सा आ रहा था। हाँ आता है, आता है, आने दो, मुझे परवाह नहीं है, मगर झूठा कह रहा हूं तो बोलेंगे ऐसा कैसा झूठा बोल रहा, अपने आप को चाय वाला बोल रहा या मीडिया वाले भी बैठे हुए। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या नरेंद्र मोदी चाय वाला ऑफ इंडिया? उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अब कहते हैं एक चाय वाले के 4 साल देख लेंगे, नामदारों के 50 साल देख लेंगे। अरे चाय वाले अब है क्या? आप चाय बना रहे? क्या आप चाय का चूल्हा है? क्या आप चाय की केतली है? क्या आप चाय की पत्ती है? क्या आप चाय का पानी है? क्या आप चाय उबल रही है? अरे चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की केतली, चाय का पानी, 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 चाय का। आप गौर करो, अरे इनको भी तो समझाओ, वजीर आजम जैसे बात करो, वजीर आजम जैसे दिखो, वजीर आजम जैसे पहनो। चाय चाय इतना सर पे आ गई, 15 लाख का सूट पे लिए। आपको मालूम एक बादशाह था, फकीर हो गया, तुम्हारे गुरु खा गए, तुम्हारे गुरु नहीं भगा सके, तुम्हारे गुरु पर चाय 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 बोल रहे, तुम्हारा गुरु मजबूर हो गया, अनाप शनाप बोलते है कहकर। तो गुरु का ये इतना चिन्ना चेहरा हमारा क्या करेगा? अरे आज बड़ी बातें भगाएंगे भगाएंगे, अरे भागना किसको बोलते हैं? याद आओ भगा के हम बताएंगे, भरेंगे भागेंगे, ना भागने वाले हैं ना मरने वाले हैं, भागने वाले भाग गए, मालिया भाग गया।